एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? आज आपके लिए मैं 31 मार्च के करंट अफेयर लेके आया हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो लोग J&K से हैं उनका नया डोमिसाइल रूल आया गया है, वो मैंने एक अलग वीडियो में पूरा समझाया है, तो आप वो जाके देख लें अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो, और आप J&K से हैं तो। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स को लेके। आज के करंट अफेयर जो मैं आपको करवाऊंगा उसमें जो 2 से 3 करंट अफेयर ऐसे हैं जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एग्ज़ाम में आए, तो थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि किस प्राइवेट सेक्टर बैंक ने लॉन्च किया है बैंकिंग सर्विसेज इन व्हाट्सएप। ध्यान रखें यहाँ पे एक वर्ड का, व्हाट्सएप के थ्रू बैंकिंग सर्विसेज किसने स्टार्ट की है, और डेट का भी ध्यान रखें, मार्च 2020 की बात की गई है कि व्हाट्सएप सर्विसेज किस प्राइवेट सेक्टर ने स्टार्ट की है व्हाट्सएप के थ्रू। तो इसका आंसर है आपका ICICI बैंक। जैसे कि आपको पता है कि अभी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, काफ़ी जगह लॉकडाउन है पूरे हिंदुस्तान में, तो उस वजह से लोगों को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए व्हाट्सएप के साथ टाई अप किया है ICICI बैंक ने। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी बात यहाँ पे ये ही क्वेश्चन है जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने पार्टनरशिप की है भारत पे के साथ लॉन्च करने के लिए COVID-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर फॉर शॉपकीपर्स। जैसे कि आपको पता है कि एसेंशियल सर्विसेज जो है आपकी चल रही है, सब लोग डॉक्टर नर्सेज की बात कर रहे हैं, पुलिस की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डे टू डे अपना काम कर रहे हैं ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना आए। तो उनमें शॉपकीपर्स भी हैं, बैंकर्स भी हैं, और आपके जितने भी आप देखते हैं कि डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग जो कि सब्जियां वगैरह बेचते हैं, वो सब लोग हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो पहले कौन सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की जिसने भारत पे के साथ मिलके लॉन्च किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये भी याद रखना है कि भारत पे के साथ लॉन्च किए हैं जिन्होंने शॉपकीपर्स के लिए COVID-19 प्रोटेक्शन इंश्योरेंस कवर, तो वो है आपका ICICI लंबार्ड। तो ये आपको याद होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ मैं आपको एडिशनल थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे देता हूँ कि भारत पे के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं आपके सलमान खान। आपको याद रखना है भारत पे को आप फोन पे के साथ कंफ्यूज मत करें, क्योंकि फोन पे के जो आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं वो आमिर खान है, ना कि सलमान खान। तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कितनी अमाउंट है जो ग्रांट की गई है लोन एज अ लोन बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आवास फाइनेंशियरीज टू इम्प्रूव वुमेन विमेन एक्सेस टू हाउसिंग इन इंडिया। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि अमाउंट कितना मिला है। वो अमाउंट आपका दिया है $60 मिलियन का। किसने दिया है आपको वो पता होना चाहिए। वो दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। क्यों दिया है और किस वजह से दिया है, ये इस वजह से दिया है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग लोन है वो मिल सके, ख़ास तौर पे किसे, वर्ड यहाँ पे ध्यान रखना आप, विमेन को, कि जो लो इनकम कम्युनिटी से बिलोंग करती है उन्हें। तो ये 2 से 3 चीज़ें आपसे एग्जाम में घुमा के पूछी जा सकती है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ADB ने 60 मिलियन लोन का लोन दिया है वो किसको दिया है हाउसिंग के लिए। तो आपको ऑप्शंस में दिख सकते हैं वेमेन को, फार्मर्स को, इस तरह के ऑप्शन बना के भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये तीनों चीज़ें पता होना ज़रूरी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सी कंपनी ने अक्वायर किया है 5.45% स्टेक इंडियन एयरलाइंस स्पाइस जेट में। वापस से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले मैं आपको बता दूं कि किस कंपनी ने किया है, वो है आपकी HDFC ट्रस्टी कंपनी। इन्होंने शेयर जो है वो खरीदा है कितना, 5.45% स्पाइस जेट का। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकते हैं क्वेश्चन घुमा के इस तरह से कि HDFC ने 5.45% किसका खरीदा है, तो आपको नाम याद होना ज़रूरी है स्पाइस जेट का। वहीं आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि HDFC ट्रस्टी कंपनी ने जो स्पाइस जेट का शेयर खरीदा है वो कितने परसेंट है, तो आपको ये परसेंटेज भी याद रखने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना बहुत ज़रूरी है इन तीनों चीज़ों का, क्योंकि एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाते। आपने जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है मेंस का या जिन लोगों ने देना है, उन्हें पता है कि अब जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको घुमा के पूछे जाते हैं। तो आपको ये पूरी
नॉलेज पता होनी चाहिए इसके रिलेटेड। नेक्स्ट की बात करते हैं हम अगर, तो अभी गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च की है, कोरोना वायरस रिस्क ट्रैकिंग ऐप, ये लॉन्च की है गवर्नमेंट ने मिलके, और इसका नाम क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो पहले ये, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं कहीं पे भी प्ले स्टोर में जाके, या आप डायरेक्ट गूगल करेंगे तो APK करके तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। लेकिन उसका नाम क्या है? उस ऐप का नाम है आपका कोरोना कवच, आपको ये पता होना ज़रूरी है। और इसी के साथ एक वेबसाइट भी लॉन्च की है COVID-19.org, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, तो आप वो भी कर सकते हैं, आपको वहाँ पे इन डिटेल सारा दिख जाएगा कि लेटेस्ट अपडेट क्या चल रहा है, कितना इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर आप मैप पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको अपनी स्टेट की डिस्ट्रिक्ट्स का भी पता चल जाएगा, तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो इंडिया की पहली कोरोना वायरस टेस्टिंग किट बनी है, जिसको कहा जाता है, आपको इसका नाम याद रखना ज़रूरी है, माई लैब पैथो डिटेक्ट COVID-19 क्वालिटेटिव PCR किट, इसका आपको नाम पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको पता चलनी चाहिए कि कौन सा पर्सन था जिसने इस टीम को हेड किया है, जिसने ये किट बनाई है। तो इसका नाम आपको मैं बता दूं, वो है मिनल दखावे भोंसले जी। ये जो हैं, ये हेड है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस की, पुणे में हेड हैं, और इन्होंने बनाई है, ये पहली कंपनी है इंडिया की जिसने इसको बनाया है। तो आपको नाम भी पता होना चाहिए कि किट का क्या नाम है, और ये भी पता होना चाहिए कि किसने इसको लीड किया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट, ये कहाँ से हैं, ये कहाँ पे इस टाइम पे हेड हैं, ये चीफ हैं, वो है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस पुणे। तो नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्रज्ञायम ऐप टू इशू ई पासेस? ई पास देने के लिए किस स्टेट ने लॉन्च किया है एक ऐप, जिससे आपको घर बैठे बैठे ई पासेस मिल जाएंगे, ई पासेस, जिससे कि आप मूवमेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ उनके लिए हैं जो लोग एसेंशियल सर्विसेज में हैं, क्योंकि काफ़ी जगह आप देख रहे हैं कि अब आई कार्ड के, आइडेंटिटी कार्ड के साथ भी नहीं जाने दे रहे। गवर्नमेंट के पासेस ज़रूरी हैं, जो कि आपको परमिट करेंगे जाने के लिए। तो ये किस स्टेट ने लॉन्च की है? ये की है आपकी झारखंड की स्टेट ने लॉन्च। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना ज़रूरी है। झारखंड में कल पहला केस आया है सामने। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ये मैंने आपसे कल टेक अवे, इम्पॉर्टेंट टेक अवे में भी डाला था, तो आप देखते हैं कि कितने लोगों को ये याद है कि किस स्टेट पुलिस ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप राज कॉप सिटीजन्स ऐप। ये भी ऐप मिलती जुलती है, लेकिन इसमें इंडिविजुअल्स और कंपनी, जैसे आप पहले वाली ऐप में आपको इसेंशियल सर्विसेज वालों को पासेस मिले हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों को दिया जाएगा परमिशन कि कब वो जा सकते हैं कब नहीं। ये किसने लॉन्च किया? ये की है आपकी राजस्थान गवर्नमेंट ने, राजस्थान पुलिस ने लॉन्च की है ये ऐप। इसी के साथ आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए इम्पोर्टेंट पॉइंट बना के कि मोबाइल हैंड वॉश फैसिलिटीज़ किस स्टेट ने स्टार्ट की है, तो उसका आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। ये जो चीज़ें मैं आपको अलग से बताता हूँ, आप प्लीज़ इसको नोट कर लें ताकि आपको ये याद रहे, आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट की है। वापस से रिपीट करता हूँ, मोबाइल हैंड वॉश सर्विसेज फैसिलिटीज़। और इसी के साथ आपको मैंने कल बताया था दो इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा हर एक वीडियो में, ताकि आपको याद हो जाए और आप एग्ज़ाम में इसको भूलें नहीं। क्वारंटाइन करके एक ऐप बनाई है, क्वारंटाइन करके ऐप बनाई है, किसने बनाई है ये बनाई है आपकी IIT बॉम्बे ने, तो आप इसको भी नोट कर ले। और इसी के साथ IIT बॉम्बे ने एक और ऐप बनाई है जिसका नाम है आपका सेफ, तो ये या आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे जो है, आप लोगों को पता है कि ओलंपिक गेम्स होनी थी टोक्यो में इस साल, वो पोस्टपोन कर दी गई है, रिशेड्यूल की है, 2021 में होगी अब। लेकिन इसके साथ ही आपको मेरे को बताना है कि पहली बार टॉर्च बियरर कौन फीमेल थी जिसने ये करना था। आपको मैं हिंट के तौर पर दे देता हूँ, ये ग्रीस से थी। आपको इनका नाम बताना है कमेंट्स में। तो ये थे आज के, अब April 1st से जो हम करेंगे, मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम डेली करंट अफेयर की वीडियोस तो अपनी करते रहेंगे, लेकिन जैसे 7 से 8 दिन की करंट अफेयर हमारी हो जाएगी, तो मैं एक वीडियो आपकी रिवीजन के लिए लेके आऊँगा जो वीकली बेसिस पे होगी, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन स्टैटिक के, कुछ बैंकिंग के, इस फॉर्म में आप लोगों के लिए लेके आऊँगा।
तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जाते जाते आप मेरे को ये बता दें कि 2020 के ओलंपिक गेम्स यहाँ होने थे, तो 2024 के ओलंपिक्स गेम्स कहाँ पे होंगे, आप कमेंट में ये भी लिख के बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के।